पोष मास की अमावस्या के दिन वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण लगा। सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण लगने से 12 घंटे पूर्व शुरू हो गया था। 26 दिसंबर को सूर्य ग्रहण का सूतक 25 दिसंबर की रात से ही प्रारंभ हो गया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दो अशुभ ग्रहों के कारण सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण के दौरान केतु सूर्य को ग्रसित करता है, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ जाता है व ग्रहों का राजा ग्रसित होने की असुरी शक्ति जागृत हो जाती है। ग्रहण की समाप्ति के बाद घरों में गंगा जल का छिड़काव करने के साथ ही मंदिर में रखी मूर्तियों को शुद्ध जल से स्नान कराने व स्नान कर दान पुण्य का महत्व माना जाता है। इसी कड़ी में ग्रहण समाप्ति के बाद महाकालेश्वर मंदिर में सूर्य ग्रहण के दौरान दर्शनार्थियों को गर्भगृह में जाने से रोक दिया गया था, लेकिन मंदिर के पट को बंद नहीं किया गया था। बताया जाता है कि वैष्णव मंदिर के पट बंद नहीं किए जाते हैं, जबकि शिव मंदिर से सूर्य ग्रहण के दौरान पट बंद नहीं होते। इसी के चलते महाकालेश्वर मंदिर के पट खुले रहते हैं, किंतु मंदिर परिसर का शुद्धिकरण होने के पश्चात ही श्रद्धालुओं को गर्भगृह में प्रवेश दिया गया है। इधर श्रद्धालुओं ने रामघाट पर जाकर स्नान आदि कर दान पुण्य कर अर्पित अर्जी की। मास की कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या है। पौष मास का पूरा महीना भर भगवान सूर्य नारायण देवता का विशेष आराधना का महीना होता है। आज अमावस्या के दिन प्रातःकाल सुबह 8:00 से जो है आज अमावस्या के दिन भगवान सूर्य नारायण पर सूर्य ग्रहण का योग उत्पन्न हुआ है, जो 11:00 पर समाप्त हुआ है। ऐसी मान्यता है कि इस ग्रहण काल की अवधि के अंदर शिप्रा तट या किसी भी देवालय के बाहर बैठ के अपने इष्ट की, अपने गुरु मंत्र की या कोई भी जप अनुष्ठान अगर करा जाता है तो उस मंत्र की सिद्धि होती है। और इस ग्रहण काल की अवधि में जो भी ग्रहण से जो दोष उत्पन्न होते हैं वो हमारे इस मनुष्य जीवन पे, हमारे ग्रहों पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन इस ग्रहण पश्चात शिप्रा में स्नान करके भगवान महाकालेश्वर एवं तीर्थ के समस्त देवी देवताओं की आराधना पूजन करने के पश्चात उस ग्रहण की शुद्धि का पुण्यफल प्राप्त होता है। और कई मंदिरों पर कई ब्राह्मणों को या पुरोहितों को दान इत्यादि कर्म करने से कई गुना पुण्यफल की प्राप्ति होती है। भगवान पे जो ग्रहण लगता है तो इसके बाद ये दान धर्म भी करते हैं। और ये सूर्य नारायण जी पे ग्रहण लगा है, जो भगवान को कष्ट हुआ है उसको सबको स्मरण भी करना चाहिए भगवान के लिए, कष्ट के लिए दूर करने के लिए। और उसके बाद फिर ये शिप्रा नहान होता है, दान धर्म होता है। कितनी बजे ग्रहण खत्म हुआ और नहान किया आप? ग्रहण 8:10 पे चालू हुआ था और 10:57 पर खत्म हुआ। ग्रहण खत्म होने के बाद किस प्रकार की विधि की जाती है? विधि यही है कि स्नान ध्यान करो, दान धर्म करो और उसके बाद आप देव दर्शन कीजिए भगवान के। शिप्रा में स्नान कीजिए तो आपके जो अपने ग्रह दोष रहते हैं, कष्ट रहते हैं, वो सब दूर हो जाते हैं। शारीरिक, मानसिक, वैचारिक, व्यवहारिक जो भी सब दूर होते। अशोक कसेरा। वैसे इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है, वैसे तीन बार आता है ये। और सूर्य ग्रहण का उज्जैन में बहुत महत्व है। हर साल यहाँ पे बहुत से लोग अमावस पे स्पेशली आते हैं, दर्शन करते हैं, नहान करते हैं। और सूर्य ग्रहण पे हर लोग यहाँ के उज्जैन के निवासी जो है वो घर जाकर घर में भगवान का स्नान कराएंगे, उसके बाद में चूल्हा चौका जलेगा, पूरा घर का धोने के बाद में सबको खाना वाना खिलाया जाएगा। और इसी तरीके से बहुत से श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं, हम लोग भी यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं। हम लोगों ने भी यह दान पुण्य करा है, दान पुण्य का बहुत महत्व है। स्पेशली आज खिचड़ी और गेहूं का बहुत महत्व है। ठीक है, क्या नाम है? शोभा राठौर, उज्जैन से।